हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म की क्या ज़रूरत पड़ी और किस तरीके से उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन किया यूजिंग फोरियर सीरीज कोफिशियंट, ये हमने देखा। एट लास्ट जो रिजल्ट्स आए वो इस तरीके से थे कि अगर कोई सिग्नल एक्स टी है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है, और अगर कोई फूरियर ट्रांसफॉर्म जिसका मुझे पता है एक्स ओमेगा और उससे मुझे एक्स टी पे जाना है, देन दिस इज नोन एज आई एफ टी, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्मूलेज क्या थे? तो वो इस तरीके से थी कि एक्स ओमेगा इज गिवन बाय माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी ए की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। सिंस ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है इसमें ई पावर जे ओमेगा टी माइनस जे ओमेगा टी, सो वी जनरली रिप्रेजेंट एक्स ओमेगा की जगह एक्स जे ओमेगा, राइट। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म को अगर एक्स टी है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर है तो आप उसको एक्स जे ओमेगा से भी ज़्यादातर बुक में लिखा रहता है, वो इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर फार्मूले में है। ओके, सो इनवर्स ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज गिवन एज एक्स टी इक्वल टू वन अपॉन टू पाई माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट एक्स जे ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। दिस इज द रिलेशन क्या था सी एन, और उसमें अगर आपको याद हो तो हमने एक्स ओमेगा, एक्स जे ओमेगा किसको माना था, एक्स ओमेगा या एक्स जी ओमेगा किसको माना था, सी एन इंटू टी, राइट। देन वो फार्मूला आया वे सी एन इज द एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशियंट ई एफ एस सी, राइट। यहां से एक निष्कर्ष क्या निकला कि अच्छा सी एन एक्चुअली क्या है, सी एन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हैविंग फ्रीक्वेंसी एन ओमेगा नॉट, वेयर ओमेगा नॉट इक्वल टू टू पाई बाई टी। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें, ए पीरियोडिक सिग्नल की बात करें, सो टी टेंस टू इन्फाइनाइट, सो ओमेगा नॉट टेंस टू जीरो विच इज नोन एज डी ओमेगा नॉट, सो सो देयर आर इन्फाइनाइट There are infinite complex exponentials present in a periodic signal.
क्योंकि ओमेगा नॉट टेंस टू जीरो, सो एन ओमेगा एन इज टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, तो कौन कौन से एक्सपोनेंशियल्स हो सकते हैं सिग्नल में? अगर टी टेंस टू जीरो तो सी एन कौन कौन से किसके लिए हो सकता है? सी एन किसके लिए हो सकता है? जीरो के लिए, डी ओमेगा, टू डी ओमेगा, थ्री डी ओमेगा, फोर डी ओमेगा, और इधर माइनस डी ओमेगा, माइनस टू डी ओमेगा एंड डॉट डॉट। सिंस डी ओमेगा इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, सो यू विल फाइंड दैट ये जो सी एन है, अगर इसका ग्राफ खींचो, अगर पेरियोडिक सिग्नल की बात करें तो हम जब सी एन खींचते थे सी एन, तो ये जीरो पे, ये ओमेगा नॉट पे, ये टू ओमेगा नॉट पे, ये थ्री ओमेगा नॉट पे, समथिंग मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप प्लॉट करते थे तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये अच्छी खासी डिस्टेंस होती थी। लेकिन अभी एपेरियोडिक सिग्नल में ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली डी ओमेगा, दिस डिस्टेंस इज डी ओमेगा एंड डी ओमेगा इज वेरी स्मॉल। तो यू विल फाइंड दैट द सी एन्स आर एक्चुअली वेरी नियरली प्लेस्ड, बहुत इसके और ये जितना भी तुम पास खींच सकते हो वो उतना पास है ना, आपको दिखे ना, तो यू विल फाइंड दैट दिस इज कंटिन्यूअस। कितना मैग्नीट्यूड हो जाता है सी एन का? तो अगर सी एन का आपको मैग्नीट्यूड देखना है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, अगर आपको मैग्नीट्यूड देखना है एक्सपोनेंशियल का, तो सी एन इज गिवन एज एक्स जे ओमेगा अपॉन टी, एंड इफ टी टेंस टू इन्फाइनाइट, इफ टी टेंस टू इन्फाइनाइट, तो सी एन टेंस टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि एपेरियोडिक सिग्नल में, एपेरियोडिक सिग्नल में इन्फाइनाइट एक्सपोनेंशियल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इन्फाइनाइटली स्मॉल है, बहुत ही मतलब आई मीन टेन जीरो। कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज में ऐसा नहीं था, फोरियर सीरीज में सी एन की पर्टिकुलर वैल्यू थी और वो ओमेगा नॉट, टू ओमेगा नॉट, थ्री ओमेगा नॉट, फोर ओमेगा नॉट पे प्लेस्ड थे, राइट? यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या है कि सभी बिल्कुल पास पास में, बिकॉज डी ओमेगा टेंस टू जीरो, तो सभी पास पास में प्लेस्ड हैं, लेकिन सबका मैग्नीट्यूड टेंस टू जीरो। तो अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें, अगर फोरियर सीरीज की बात करें, तो इन ए पेरियोडिक वेवफॉर्म, आई मीन ए पेरियोडिक वेवफॉर्म कैन बी रिजॉल्व इनटू सम ऑफ इनफाइनाइट साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स। एंड एपेरियोडिक सिग्नल कैन आल्सो बी रिजॉल्व इनटू सम ऑफ इनफाइनाइट साइनसॉइडल्स।
बट देयर इज डिफरेंस, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू इन्फिनिटीज। पेरियोडिक सिग्नल को भी इन्फाइनाइट साइनसोइडल वेव फॉर्म्स में एज ए सम दिखा सकते हो। एपेरियोडिक सिग्नल में भी हमने देखा कि इसमें भी इन्फाइनाइट साइनसोइड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इन दोनों इन्फाइनाइट में डिफरेंस है। इन पेरियोडिक सिग्नल, इन इन पेरियोडिक सिग्नल दीज साइनसोइडल्स आर इनफाइनाइट हैविंग फ्रिक्वेंसी इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ बेस और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो पीरियोडिक सिग्नल में जो साइनसोइड्स हैं दे आर इनफाइनाइट बट हैविंग फ्रिक्वेंसी इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेस फ्रिक्वेंसी और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। इन ए पीरियोडिक सिग्नल these sinusoidals are infinite in number like Fourier series, having frequency real number multiples of base frequency। so real number multiples का कोई मतलब रह नहीं जाता है, because अगर omega not है और real number क्या है, minus infinite to infinite real number क्या है, 0.1, 0.12, 0.112, 0.1112, something like that, they all are real numbers only। so you will find that एपेरियोडिक सिग्नल में माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट तक हर एक फ्रिक्वेंसी है, जो आप एज्यूम करो वो है, लेकिन फोरियर सीरीज में चुनिंदा फ्रिक्वेंसीज हैं, ओमेगा नॉट, माइनस ओमेगा नॉट, माइनस टू ओमेगा नॉट, जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं, या फिर ओमेगा नॉट, टू ओमेगा नॉट, थ्री ओमेगा नॉट। यहाँ पे माइनस ओमेगा नॉट से माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट हर एक फ्रिक्वेंसी जो भी आप मान सकते हैं, राइट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन। और दूसरा यह है कि फोरियर सीरीज में उसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, पर्टिकुलर मतलब एक्सपोनेंशियल का, लेकिन एपेरियोडिक सिग्नल में इनकी ये कोई भी फ्रिक्वेंसी ले सकते हैं, और हर एक फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल, मतलब बहुत ही छोटा, राइट। वो कहाँ से, बिकॉज अगर आप एक्स ओमेगा पता कर लेते हैं और उसमें डिवाइड बाई टी करें, देन ओनली यू कैन फाइंड सी एन। इफ this t tends to infinite then the whole thing tends to zero, right। दूसरा इसमें एक कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आपको किसी एपेरियोडिक सिग्नल का, जैसे सपोज दिस इज एपेरियोडिक सिग्नल एंड रेंज इज माइनस tau i2 टू tau i2, this is xt and t, obviously this is aperiodic, so you can easily find
एक्स ओमेगा, सो एक्स ओमेगा इज आफ्टर द कैलकुलेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, सो इट विल बिकम लाइक माइनस टाओ बाई टू टू टाओ बाई टू, मैग्नीट्यूड इज ए, सो ए की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी. आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट आफ्टर सर्टेन स्टेप्स. मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने सॉल्व कर रखा है. सो दिस इज ए टाओ साइन ओमेगा टाओ बाई टू अपॉन ओमेगा टाओ बाई टू, दिस इज एक्स ओमेगा. यहाँ पे अगर मैं सपोज करो अगर मैं टाओ को वन मान लूँ, टाओ को सपोज मैं टाओ को वन मान लूँ, सो सिग्नल बिकम्स माइनस वन बाई टू टू वन बाई टू ए, दिस इज एक्स टी एंड टी, सो एक्स ओमेगा बिकम्स एक्स जे ओमेगा बिकम्स एक्स ओमेगा एक्स जे ओमेगा एक ही बात है बिकॉज दैट, सो एक्स जे ओमेगा इज ए साइन ओमेगा बाई टू अपॉन ओमेगा बाई टू. दिस इज नथिंग बट सिंक फंक्शन राइट, दिस इज सिंक फंक्शन. अगर इसको आप प्लॉट करो, अगर आप इसको प्लॉट करो तो ये कहाँ जीरो क्रॉसिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, इट इज़ फंक्शन ऑफ साइन बट डैम्ड होगा, मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा बिकॉज ऊपर का जो फंक्शन है डेट विल बी बिटवीन रेंज माइनस वन टू वन ओनली, बट इट विल इंक्रीज लाइक एनी थिंग एज यू इंक्रीज द ओमेगा, सो मैग्नीट्यूड विल गो डाउन 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 एंड डाउन. तो अगर आप ग्राफ खींचो इसका तो ग्राफ कैसा आएगा, समथिंग लाइक दैट. सो हमारा पॉइंट है ये जीरो क्रॉसिंग पॉइंट कौन कौन से होंगे. तो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट कैसे आप निकालोगे, सो साइन ओमेगा बाई टू इजक्वल टू एन पाई, जब भी ये एन पाई के बराबर होगा तब तब ये जीरो होगा. नो नो, व्हेन साइन ओमेगा बाई टू इजक्वल टू जीरो, और ये कब होगा, व्हेन ओमेगा ओमेगा बाई टू इजक्वल टू एन पाई, सो ओमेगा इजक्वल टू एक्चुअली टू एन पाई, तो एन इजक्वल टू जीरो दिस इज जीरो, दिस इज टू पाई, दिस इज फोर पाई एंड समथिंग सो ऑन. तो ये एक्स ओमेगा का एक्स जी ओमेगा का फार्मूला है. ओके, मेरा पॉइंट ये है यहां पे, अगर आप इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग ए पीरियोडिक सिग्नल यूजिंग पीरियोडिक सिग्नल वाई टी यूजिंग ए पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी, मतलब आप एक एक्स टी को यूज करके आप एक पीरियोडिक सिग्नल बना रहे हैं, एक्स टी आपका ये था माइनस वन बाई टू टू वन बाई टू, और मैं टाइम पीरियड फॉर टाइम पीरियड किसी भी टाइम पीरियड टी के लिए किसी भी टाइम पीरियड टी के लिए मैं एक वाई टी बना रहा हूँ. And this time period is t. So this is t minus 1 by 2 and t plus 1 by 2 something like that. T कुछ भी हो सकता है.
सो दिस इज वाई टी, और वाई टी किससे बना है, एक्स टी से बना है, राइट। सो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको वाई टी के, इफ यू वांट फोरियर सीरीज कोफिशियंट फॉर वाई टी, देन यू कैन हैव इट फ्रॉम एक्स जे ओमेगा डायरेक्टली। अगर किसी एपेरियोडिक सिग्नल से आप पेरियोडिक सिग्नल बना रहे हैं, और अगर आपको उस एपेरियोडिक सिग्नल का एक्स जे ओमेगा पता है, तो जो पेरियोडिक सिग्नल बना रहे हैं यूजिंग दैट एपेरियोडिक सिग्नल, देन यू कैन हैव फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट डायरेक्टली फ्रॉम एक्स जे ओमेगा। हाउ, तो यूजिंग दैट रिलेशनशिप, वॉट सी एन इंटू टी इजक्ल टू एक्स जे ओमेगा। सो सी एन इजक्ल टू एक्स जे ओमेगा अपॉन टी। तो अगर आपको सी जीरो निकालना है, सी जीरो, तो सी जीरो इज नथिंग बट एक्स जे ओमेगा एट ओमेगा ओमेगा नॉट इजक्ल टू, नहीं सॉरी, एट ओमेगा इजक्ल टू जीरो अपॉन टी। सो दिस इज नथिंग बट सैम्पलिंग ऑफ एक्स जे ओमेगा फंक्शन एट ओमेगा इजक्ल टू जीरो। इफ यू वॉन्ट सी माइनस वन, देन एक्स जे ओमेगा एट ओमेगा इजक्ल टू माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। इफ यू वॉन्ट सी माइनस टू, देन एक्स जे ओमेगा एट ओमेगा इजक्ल टू माइनस टू ओमेगा नॉट अपॉन टी। तो माई पॉइंट इज, आप केवल सैम्पलिंग करके अगर आपको टी पता है, इफ़ यू नो जो आप पेरियडिक सिग्नल बना रहे हैं उसका आपको अगर टाइम पीरियड पता है, तो आप ओमेगा नॉट बता सकते हो, और आपको ओमेगा नॉट टू ओमेगा नॉट थ्री ओमेगा नॉट पे जो एक्स जे ओमेगा है, एक्स जे ओमेगा है, देन इसका सैम्पलिंग कर दो आप एट एन ओमेगा नॉट, एंड देन डिवाइड इट बाय टाइम पीरियड, देन यू कैन हैव फोरियर सीरीज कोफिशिएंट लाइक सी माइनस वन, सी जीरो, सी प्लस वन, सी टू, सी माइनस टू एंड ऑर्डर सो ऑन, राइट। इसका मतलब अगर मैं टी, जो मैंने पेरियोडिक सिग्नल यहाँ पे माना, जो हमने पेरियोडिक सिग्नल यहाँ पे माना, ये अगर मैं यहाँ पे टी इक्वल टू 2.5 मान लूँ, टी इक्वल टू 2.5, सो ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई बाई 2.5, विच इज नथिंग बट 0.8 पाई, राइट। और आपको वो सिग्नल पता है, आपको ये सिग्नल पता है, तो आपको अगर सी जीरो निकालना है, सी जीरो टी आपको पता है, तो इसका आप सैम्पलिंग कर लो। सैम्पलिंग कैसे, यहाँ पे सी जीरो निकालने के लिए ये सैम्पलिंग, अब वन निकालने के लिए क्या, किस पे सैम्पलिंग करोगे, ओमेगा नॉट पे, तो ओमेगा नॉट कहाँ पे, 0.8 पाई, सो यहाँ पे सैम्पलिंग कर लो। सी टू निकालने के लिए 1.6 पे, सिमिलरली माइनस वन के लिए माइनस ओमेगा नॉट, माइनस टू ओमेगा नॉट। सो इसमें अगर इन वैल्यूज में आप अगर 1/t से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई विद 1/t, देन यू कैन हैव सी जीरो, सी वन, सी टू, सी माइनस वन, सी माइनस टू एंड सो ऑन। जब भी आप इधर सैंपल लेंगे तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर आप ओमेगा नॉट इक्वल टू, अगर टी की जगह आप 5 ले रहे हैं, 5, अगर टी की जगह 5 लेते हैं, देन ओमेगा नॉट बिकम्स
टू पाई बाई फाइव एंड दिस इज 0.4 पाई। तो इसको लेने के लिए अगर इसके सैंपल्स आपको निकालने हैं तो यू हैव टू सैंपल वेरी क्लोज, है ना, बिकॉज आप सी जीरो निकालने के लिए तो चलो ठीक है आप जीरो पे सैंपल लेंगे, यहाँ पे यही सैंपल ले लिया सेम, बट सी वन निकालने के लिए आपको 0.4 पे करना पड़ेगा। तो इन बिटवीन दिस, टू पे 0.8 पे सेम, थ्री पे 1.4 इन बिटवीन, फोर पे सेम, फिर इधर पे सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ पे ये तो रहेगा ही, ये भी रहेगा सब। तो मेरा मतलब है कि जैसे टाइम पीरियड बढ़ाते हो तो जो ये सी जीरो सी वन सी टू ये जो सैंपल्स हैं वो बहुत क्लोज आते जाते हैं, और जैसे टी टेंस टू इन्फाइनाइट तो ये सैंपल्स बिल्कुल बहुत क्लोज आ जाते हैं और आपको एक कंटिन्यूस वेवफॉर्म दिखती है, कंटिन्यूस वेवफॉर्म दिखती है। ओके एंड तो हम ये बोल सकते हैं दिस एक्चुअली दिस जो सैंपल्स हैं आपके ये भी क्या हैं, सी एन इंटू टी वाले हैं, सी एन इंटू टी। तो एज टी टेंस टू इन्फाइनाइट, एज टी टेंस टू इन्फाइनाइट सी एन इंटू टी बिकम्स मोर क्लोजर एंड इट लुक्स लाइक कंटिन्यूस फंक्शन। सो अगर अगर आपको मतलब मैं दूसरे शब्दों में अगर बोलूं तो अगर आपको एक्स ओमेगा निकालना है या एक्स जे ओमेगा की आप बात करें तो अगर एक्स जो ओमेगा किससे रिलेटेड होगा, एपेरियोडिक सिग्नल से होगा, एपेरियोडिक सिग्नल से। तो अगर आपके पास कोई इफ यू हैव एनी पेरियोडिक सिग्नल एक्स टी उसके आपको फोरियर यू नो फोरियर सीरीज कोफिशियंट दैट इज सी माइनस इन्फाइनाइट टू सी प्लस इन्फाइनाइट, और अगर इसका आप टाइम पीरियड बढ़ाते जाएं, इसका टाइम पीरियड बढ़ाते जाएं तो अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म उस सिग्नल का टाइम पीरियड बनाने के बाद अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके पास सी एन है, जो भी आपके सी एन है उसमें आप टी से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपके पास सी एन है उसमें टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी इनवेलप आए जैसे आपके पास ये कोफिशियंट्स हैं, ये कोफिशियंट्स हैं, ये कोफिशियंट्स हैं, ये कोफिशियंट्स हैं, समथिंग लाइक दैट, ये हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसे कोफिशियंट, बट अगर ऐसे कोफिशियंट हैं तो जो ये इनवेलप होगा, दिस कोफिशियंट आर सी जीरो इंटू टी सी वन इंटू टी सी टू इंटू टी, है ना, इस तरीके से सी माइनस वन इंटू टी, तो इनका जो इनवेलप होगा दिस इनवेलप इज नथिंग बट एक्स जी ओमेगा। ओके सो दिस इज द सम बेसिक्स अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज में कितना रिलेशन है। तो अगर आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है और उस एपेरियोडिक सिग्नल से अगर आप पेरियोडिक सिग्नल बनाने जा रहे हैं तो आपको फोरियर सीरीज कोफिशियंट जस्ट सैम्पलिंग से सैम्पलिंग लो एक्स जे ओमेगा की एट पर्टिकुलर ओमेगा नॉट, जो भी आपका ओमेगा नॉट हो, जितनी भी मतलब पीरियड का आप सिग्नल बनाने जा रहे हैं,
और उसका सैम्पलिंग लो, उसमें टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, आप फोरियर सीरीज कोफिशियंट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पेरियोडिक सिग्नल है और आपको उससे एक पेरियोडिक सिग्नल बनाना है टाइम पीरियड बढ़ा के, तो आप सी एन इंटू टी कर दो, सी एन इंटू टी, और जो भी आपके कोफिशियंट्स हैं सी एन, जो भी आपके कोफिशियंट हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सी एन इंटू टी टाइम्स हो जाएगा। आप उसका इन्वेलप ले लो, इन्वेलप ऊपर बाहरी इन्वेलप ले लो अगर, तो जो इन्वेलप है दैट इज़ नथिंग बट एक्स जे ओमेगा। सो दिस लेक्चर बिकम्स लॉन्गर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, होप यू विल गेट इट समथिंग।